hello everyone today we will be discussing an example of the case study question which are newly introduced by cbse so firstly i have taken the case study of chapter light read the following and answer any four questions given so you will be getting five questions and you just need to answer four of them सो वी विल स्टार्ट रीडिंग एस द पेज सुमती वॉन्टेड टू सी द स्टार्स ऑफ द नाइट स्काई शी नोज दैट शी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी दोस्टेंट स्टार्स शी फाइन्स आव दैट द टेलीस्कोप्स विच आर मेटअप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रीफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स तो जो टेलीस्कोप लेंसेज के बनते हैं उन्हें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स कहा जाता है एंड द वंस विच आर मेड अप ऑफ मिररर्स आर टर्म डिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तो आपको पता है मिरर रिफ्लेक्शन शो करते हैं और उन टेलीस्कोप्स को हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं और लेंसेज रिफ्रैक्शन शो करते हैं तो उन टेलीस्कोप्स को हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं सो शी डिसक अपर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप शी बॉट टू लेंसेज एल वन एंड एल टू आउट ऑफ विच एल वन वॉज द बिगर एंड L2 was the smaller. The larger lens gathers and bends the light. वो सारी light को collect करता है और bend करता है किसकी तरफ smaller lens की तरफ While the smaller lens magnifies the image. तो बड़े lens का काम है सारी light को इकट्ठे करना और छोटे lens का काम है image को magnify करना Big thick lenses are more powerful. So to see far away, she needed a big पावरफुल लेंस क्योंकि उसे बहुत ही दूर दूर देखना तो उसे बड़ा लेंस चाहिए थिक लेंस चाहिए अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज दैट द बिग लेंस इज वेरी हैवी बट जब उसने सोचा और बिग लेंस को रिप्लेस करने के लिए तो उसने क्या नोटिस किया कि बिग कि लेंस क्या है बहुत ज्यादा हैवी है हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस उसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है टेलीस्कोप को कैरी करने में ऑल्सो सिंस द लाइट इज पासिंग थ्रू द लेंस

According to this passage, the first question, based on the diagram shown, what kind of lenses would sumati needed to make the telescope? If you want or if you are seeing the diagram, aapko do lens, a Kewala lens or a Kewala lens. Can you notice what type of lens is it or what is the nature of the lens? Yes, we could easily tell, दैट दीज आर आर कॉन्वेक्स लेंसेज क्योंकि ये शेप कॉन्वेक्स लेंस की होती है क्लियरली हमें विजिबल है दैट्स वाई वी कुड जज कि ये हमारे कौन से लेंस हैं कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिए इफ द पावर ऑफ द लेंसेज एल वन एंड एल टू आर इन द रेशियो ऑफ फोर रेशियो वन वॉट वुड बी द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ एल वन एंड एल टू सो स्टूडेंट्स जस्ट अ क्लियर

वॉट पावर वन अपॉन पावर टू क्योंकि आपको ये रेशियो गिवन है फोर रेशियो वन अब अगर मैं इनका बात करूं हमें क्या पुट करना है हम पावर वन की जगह क्या पुट कर सकते हैं वन अपॉन फोकल लेंथ वन और पावर टू की जगह क्या पुट कर सकते हैं वन अपॉन फोकल लेंथ टू तो क्या होगा इससे जब हम सॉल्व करेंगे सो so स्टूडेंट्स पावर वन अपॉन पावर टू इक्वल हो गई वन अपॉन फोकल लेंथ वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोकल लेंथ टू अब इस वाले स्टेप को हम कैसे लिखेंगे एफ़ टू अपॉन एफ वन जब हमने इसे सॉल्व करा डिवाइड करके इस स्टेप को ही हम एफ टू अपॉन एफ़ वन कहेंगे तो एफ़ टू अपॉन एफ वन किसके इक्वल आई स्टूडेंट्स फोर अपॉन वन के कैसे क्योंकि पावर वन अपॉन पावर टू थी ही किसके इक्वल फोर अपॉन वन के बट हमें क्या चाहिए एफ वन अपॉन एफ टू सो एज वी केम टू नो दैट एफ टू अपॉन एफ वन इज इक्वल टू वॉट फोर अपॉन वन बट वॉट डू वी नीड वी नीड द फोकल लेंथ वन अपॉन फोकल लेंथ टू दैट वुड बी जस्ट द रेसिप्रोकल सो योर आंसर वुड टर्न आउट टू बी वॉट इट वुड बी वन अपॉन फोर So, B part would be your answer, or you can simply understand that the power is just the reciprocal of the focal length. So, the ratio of the focal length would just be the reciprocal. That is, 4 ratio 1 turned out to be 1 ratio 4. If we talk about our next numerical, what is the formula of magnification obtained within the lens? So, there are the different options given what is the formula of magnification of lens you all know there are two formula of magnification of lenses the first one is v upon u that is the distance of the image to the distance of the object and the second is height of image to the height of object so let's take it out which one is correct the first is the ratio of height of image to the height of the object second is double the focal length third inverse of the radius of curvature and the fourth inverse of the object distance so the correct answer is ratio of height of image to the height of the object moving ahead to the next numerical or the next mcq it is sumati did some preliminary experiment with the lenses and found that the magnification of the eyepiece lens 2 is 3 so she got that magnification of the second lens is 3

What is the value of m three so it could be written as three equal to twenty four upon u and from that we could find out u is equals to eight. so as from the above discussion you get to know that the object distance would be eight cm. The last question is Sumati bought not so thick lenses for the telescope and polish them Usne are the thick lenses what advantage if she would be having विद चॉइस ऑफ द लेंसेज अगर उसने इतने ज़्यादा थिक लेंस नहीं लिए ले हैं और उसे अच्छे से पॉलिश करा है तो क्या बेनिफिट होगा ओके फर्स्ट शी विल नॉट हैव एनी एडवाटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियर इमेज ओके थिकर लेंसेज वुड हैव द सेम टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल अच्छा थिकर लेंसेस से टेलीस्कोप ईजी होगा नहीं अभी हमने पैसेज पढ़ा था उसमें यह था कि थिकर लेंसेज से टेलीस्कोप को हैंडल करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था

This is all just a short discussion about the case study questions. We'll be discussing more. Just keep on watching and do subscribe the channel for more videos.